दोस्तों आईपीएल 2020 से पहले एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मुकाबला जो है वो खेले जाने वाला है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2020 के ऑल स्टार मैच की पूरी डिटेल्स जो है वो देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको साउथ वेस्ट इंडिया यानी कि टीम ए की पूरी कन्फर्म प्लेइंग 11 जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को देखते रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप भी हो आईपीएल के सबसे बड़े फैन तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको इसकी डिटेल बता दें तो दोस्तों आईपीएल 2020 की सेरेमनी की जगह इस बार आईपीएल 2020 में ऑल स्टार मैच जो है वो खेले जाने वाला है, जिसमें आपको आईपीएल के सभी स्टार प्लेयर्स जो है वो खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इस ऑल स्टार मैच में दो जो है वो टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें एक टीम जो है वो साउथ वेस्ट इंडिया रहने वाली है और दूसरी टीम जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहने वाली है। तो दोस्तों इन दोनों टीमों को जो है कि अलग अलग टीमों में बांटा गया है और दोनों टीमों की अलग अलग प्लेइंग 11 तैयार होने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साउथ वेस्ट इंडिया यानी कि टीम ए की प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें यह मैच जो है वो आईपीएल 2020 के सेरेमनी के स्थान पर खेला जाएगा। आईपीएल 2020 में अब से सेरेमनी नहीं होगा, सिर्फ ऑल स्टार मैच जो है वो खेले जाएंगे। और दोस्तों इसका टाइमिंग जो डेट जो रहने वाला है वो है आईपीएल 2020 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो इससे ठीक 3 दिन पहले जो है वो यह मुकाबला खेले जाने वाला है यानी कि 26 मार्च को आपको यह मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैच जो है वो काफी रोमांचक होने वाला है। तो ऐसे में हम साउथ वेस्ट इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं साउथ वेस्ट इंडिया के टीम में जो है वो कौन कौन सी आईपीएल की टीम आएगी। तो दोस्तों इसमें मुंबई इंडियंस का नाम है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम है, चेन्नई सुपर किंग्स का नाम है, वही सनराइजर हैदराबाद का नाम है। यानी कि इन चारों टीमों को मिला करके, इन चारों टीमों के प्लेयर्स को मिला करके एक अच्छी सी प्लेइंग 11 जो है वो बनाई जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ओपनर्स के बारे में बता दें यानी कि साउथ वेस्ट इंडिया के ओपनर्स के बारे में, तो इसमें मैंने सबसे पहले नंबर पर रोहित शर्मा को रखा है, साथ ही साथ इनके साथ ओपनिंग करने वाले हैं डेविड वार्नर। दोस्तों ये मेरे अंदाज से सबसे बेस्ट जो है वो ओपनर्स होने वाले हैं ऑल स्टार मैच में, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर जो कि साउथ वेस्ट इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। वहीं नंबर 3 पर सबसे बेस्ट प्लेयर जो है वो विराट कोहली रहने वाले हैं। विराट कोहली का स्थान जो है वो फिक्स है, मे बी यहाँ पर आपको रहना नजर आ सकते हैं, लेकिन विराट कोहली जो है वो इनफॉर्म बैट्समैन है, तो ऐसे में विराट कोहली का खेलना जो है वो लगभग तय है। और दोस्तों नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स आते हैं, क्योंकि नंबर 4 पर इन चारों टीमों में एबी डिविलियर्स से बेहतरीन बैट्समैन आपको नहीं मिल सकता है, वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज में से एक है एबी डिविलियर्स। तो दोस्तों ऐसे में नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स को मैंने रखा है। 5वें नंबर पर एमएस धोनी थाला आते हैं, जो कि इस टीम की कप्तानी भी करते हुए आपको नजर आने वाले हैं और विकेट कीपर भी रहने वाला है। दोस्तों इस टीम में रोहित शर्मा है, लेकिन एमएस धोनी को कप्तान इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि एज ए सीनियर प्लेयर रोहित एमएस धोनी जो है वो आपको कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, साथ ही साथ आपको विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी जो है वो एमएस धोनी को दी जाने वाली है। और दोस्तों नंबर 6 की बात कर ले तो नंबर 6 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को हमने रखा है, हार्दिक पांड्या जो कि आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या का नंबर 6 पर जो है वो स्थान फिक्स है, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या का खेलना लगभग तय है। 7वें नंबर पर मैंने रविंद्र जडेजा को चुना है, क्योंकि दोस्तों रविंद्र जडेजा जो है वो इनफॉर्म बैट्समैन है, अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो ऐसे में नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित होने वाले हैं। 8वें नंबर पर हमने डीजे ब्रावो को रखा, यानी कि ड्वेन ब्रावो आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों डीजे ब्रावो का खेलना भी लगभग तय है। हालांकि इनके स्थान पर आपको एक चेंज नजर आ सकता है, जहां पर भुवनेश्वर कुमार भी आपको इनके जगह पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और दोस्तों नंबर 9 पर मैंने एक रिस्ट स्पिनर यजुवेंद्र चहल को रखा है, यजुवेंद्र चहल जो कि काफी अच्छे स्पिनर हैं, आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो ऐसे में यजुवेंद्र चहल का नंबर 9 पर जो स्थान है वो फिक्स है। 10वें नंबर पर नो डाउट जसप्रीत बुमराह रहने वाले हैं, क्योंकि बुमराह जो है वो सबसे खतरनाक गेंदबाज है आईपीएल हिस्ट्री में, तो ऐसे में नंबर 10 पर जो है वो जसप्रीत बुमराह का खेलना तय है। 11वें नंबर पर लसित मलिंगा आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईपीएल के स्टैट्स उठा करके देखें तो लसित मलिंगा जैसा गेंदबाज जो है वो आईपीएल में अभी तक किसी ने गेंदबाजी नहीं की है, तो ऐसे में लसित मलिंगा का स्थान भी जो है वो फिक्स है। तो दोस्तों ये थी एक कन्फर्म प्लेइंग 11 साउथ वेस्ट इंडिया की आईपीएल 2020 के ऑल स्टार मैच के लिए, जहां पर एक बार फिर से हम प्लेइंग 11 पर नजर डाल ले तो रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, डीजे ब्रावो, चहल, बुमराह और मलिंगा आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी प्लेइंग 11 रहनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 जो है वो टीम ए के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।